हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक कॉम्बो रेसिपी लाई हूँ। एक ही के प्रिपरेशन में आप दो रेसिपी रेडी कर पाओगे बहुत ही कम टाइम में और हेल्दी भी होगा। आज हम पहले बनाएंगे चिकन पकोड़ा, ये ऑयल फ्री है। उसी के साथ मैंने एक चाइनीज़ ग्रेवी सॉस भी बनाया है, जिसमें चिकन पकोड़े को बस टॉस करना पड़ेगा और दूसरी रेसिपी हमारी बनके रेडी है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। 500 ग्राम मैंने बोनलेस चिकन लिया है स्मॉल पीसेस में कट करके। उसमें मैंने एक अंडा डाला है। मैंने हाफ टी स्पून सॉल्ट, शुगर एंड ब्लैक पेपर पाउडर, साथ ही मैंने रेड चिली पाउडर डाला है, जिंजर गार्लिक एंड रेड चिली का पेस्ट भी डाला है 1 टेबल स्पून। मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ऑरिगेनो भी डाला है, टोटली ऑप्शनल है। हाफ टी स्पून करके डाला है विनेगर, सोया सॉस, रेड चिली सॉस एंड थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस। अच्छे से मिक्स करके बाइंडिंग के लिए यहाँ पे मैंने डाला है कॉर्नफ्लावर, थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। यहाँ पे मैंने हाफ बोल के अराउंड कॉर्नफ्लावर डाला है। इसे आधे घंटे के लिए हम रेस्ट पे छोड़ेंगे। आप सेम रेसिपी फॉलो करके इसे ऑयल में डीप फ्राई कर सकते हो, लेकिन आज मैं ऑयल फ्री बनाऊंगी और इसे एयर फ्राई में बनाऊंगी 180 डिग्री में 15 मिनट्स के लिए। और इसे ना बीच में एक बार हम पलट देंगे ताकि दोनों साइड से अच्छे से पक जाए। सेम टेम्परेचर और सेम ही मेथड में आप बना सकते हो इसे ओवन में भी। तो हमारे चिकन पकौड़ा बनके बिल्कुल ही रेडी है, आप इसे ऐसे ही खा सकती हो। इसके लिए एक एक्स्ट्रा मैं ग्रेवी भी बना रही हूँ। पैन में डालेंगे 1 टीस्पून ऑयल, उसके साथ डालेंगे हम 1 टेबलस्पून चॉप्ड गार्लिक एंड चॉप्ड ग्रीन चिली। अच्छे से पकाएंगे 1 मिनट तक। अब इसमें डालेंगे एक अनियन को डाइस कट करके, हाफ टी स्पून सॉल्ट, शुगर एंड ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे, 2 मिनट तक पकाएंगे। 1 कप हम पानी डालेंगे, अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। अब इसमें ना हम सॉसेस डालेंगे। मैंने यहाँ पे लिया है 1 टेबलस्पून करके सोया सॉस, रेड चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टमाटो केचप और हाफ टी स्पून से कम डाला है विनेगर। इससे इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ेगी, बहुत दिनों तक आप इसे स्टोर करके रख पाओगे। 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर में मैंने थोड़ा सा पानी मिला के एक स्लरी बना लिया है। इसे मिक्स करके 2 मिनट तक पकाएंगे। बस हमारी ग्रेवी बनके रेडी है। बस अब इसमें चिकन पकौड़ा डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया और ये बनके रेडी है चाइनीज़ ग्रेवी सॉस वाली चिकन पकौड़ा। आप चिकन पकौड़े की जगह ना इस सॉस में कुछ भी डाल सकते हो अपने पसंद का, बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। और इस सॉस को आप 15 दिनों तक स्टोर करके रख सकते हो। आप इन दोनों रेसिपीज़ को ना एक बार ज़रूर से ट्राई करना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर से करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।